नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज सो कॉल्ड गोदी मीडिया को एक नया मसाला मिल गया है। जी हां, दोपहर तक गोदी मीडिया बड़ा परेशान था कि आज क्या करें, बिहार चलाएं कि महाराष्ट्र चलाएं, शरद पवार ने क्या दांव किया, भतीजे अजीत पवार ने जवाब में क्या कार्रवाई की। सुबह से तो यही चल रहा था, लेकिन दोपहर होते होते एक खबर आ गई और वो खबर ऐसी आई कि सो कॉल्ड इस मीडिया की बांछें खिल गई और ये खबर थी पटना बिहार से। जी हाँ, बिहार से बड़ी खबर एक आई है और इस खबर में ये पता चला है या ये जानकारी मिली है कि हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं और राज्यसभा में जेडीयू के सांसद हैं, उनकी मुलाकात कल बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से हुई। तो भाई, मुलाकात हुई तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर हंगामा बरपा है। भाई, नीतीश कुमार जो है अपने विधायकों से, एमपी से जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं और ये भी एमपी हैं, हरिवंश नारायण सिंह भी एमपी हैं, तो इनसे अगर उनकी मुलाकात हो गई और वो डेढ़ घंटे तक मुलाकात चली, बताया जाता है कि 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इनकी मुलाकात चली, तो उससे क्या गजब हो गया, क्या गजब ढा दिया नीतीश कुमार ने। लेकिन मीडिया को तो मसाला चाहिए। अब साहब, मीडिया चला रही है कि हरिवंश नारायण सिंह जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ही प्यारे हैं, दुलारे हैं, वो क्या एक संदेश लेकर गए हैं। संदेश कैसा, आप आसानी से समझ रहे होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा। और टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग जो थी उसको भी लेकर जो है मीडिया के कान खड़े हो गए और इस पर तमाम बहस, मुसाहिब और लाइव सब चल रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी पे, आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। टाइमिंग यह है कि संडे को महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि भतीजे ने चचा को दांव देते हुए विपक्ष के नेता से पलटी मारते हुए बन गए डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में एनसीपी की पार्टी टूट गई। अजीत पवार का कहना था कि 40 विधायक उनके साथ चले गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से एकनाथ शिंदे जब उन्होंने शिवसेना छोड़ा तो उनके साथ 40 विधायक थे, हालांकि अभी तक वो 40 विधायक प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी हलचल चल रही थी संडे से महाराष्ट्र को लेके, और बीजेपी का बड़ा दांव और विपक्ष का एकता खत्म, विपक्ष की यूनिटी को एक बड़ा जोरदार झटका, ये वो तमाम चीज़ें चल रही थी। अब उसके बाद बहुत से भाई लोगों ने ये भी चलाया कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब आगे चलकर बिहार में भी होगा और राजस्थान में भी होगा। तो बिहार में होगा, कौन सा ग्राउंड होगा इसके पीछे या क्या इसके पीछे सूचना थी, कोई इसके कॉन्क्रीट खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति राज्यसभा, जिनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, तो इन लोगों ने कहानी गढ़नी शुरू कर दी। कहानी भी इसलिए गढ़ी जा रही है कि हरिवंश नारायण सिंह पिछले 1.5 साल से पटना आते रहे हैं और वो जेडीयू के सांसद भी हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान, पिछले काफ़ी लंबे समय से, वो समय करीब 1.5 साल का बताया जा रहा है, कि इस दौरान उनकी नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही फ़ोन पर बातचीत हुई। तो फिर ऐसा क्या गजब हो गया कि कल वो आए और 1.5 घंटा नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की। इसी पॉइंट को लेकर मीडिया जो है उछल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जिस सांसद को जब उप सभापति बनाया जा रहा था राज्यसभा का, तो उसमें बनाते समय जेडीयू से मशवरा नहीं किया बीजेपी ने। बताया जाता है, ऐसी मीडिया की खबरें हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को फ़ोन करके कहा कि हरिवंश नारायण सिंह को वो पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें राज्यसभा का सभापति बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस पर कोई अपनी सहमति जाहिर नहीं की थी, जैसा कि बताया जाता है सियासी गलियारों में, और एक तरह से जेडीयू को नाखुश करके और हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति बना दिया गया। तभी से नीतीश जो है नाराज चल रहे थे। बताया जाता है कि नीतीश और हरिवंश नारायण सिंह के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसे में, और दूसरी, मैंने आपको टाइमिंग की बात की, तो संडे को ये हुआ महाराष्ट्र में, मंडे को क्या हुआ? मंडे को नीतीश के सहयोगी, महागठबंधन के मेन सहयोगी, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 17 लोगों पर सीबीआई ने
रेल भर्ती घोटाला कह सकते हैं इसमें, जिसमें सीबीआई का कहना है कि 2004 से 2009 के बीच में जो है कई पोस्टिंग ऐसी दी गई पसंदीदा लोगों को, और पोस्टिंग के बदले उनसे ज़मीन लिखवाई गई कम दामों में या गिफ्ट ली गई। ऐसे 7 या 9 केस सीबीआई ने दिए हैं अपनी चार्जशीट में बताया है। तो उसको लेकर चार्जशीट फाइल हो गई है कल लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और उनकी पत्नी के ऊपर। तो ये भी एक घटना ऐसी हुई जिसको जिसके बाद जो है जो मीटिंग हुई है हरिवंश नारायण सिंह की, उसको लेकर जो है मीडिया तमाम अटकलें लगा रहा है। और माना ये जा रहा है कि क्या जिस तरह से 2017 में बात कही जा रही है कि 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीरो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का की बात करते हुए अलग हुए थे आरजेडी से, क्या इस बार भी ऐसा होगा? लेकिन जो बयान आए हैं आज, कम से कम आज की बात करें तो आरजेडी के माफ़ कीजिएगा आरजेडी के लोगों के भी और जेडीयू के लोगों के भी, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जिसको लेकर मीडिया उछल रहा है या कूद रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सबने देखा। महाराष्ट्र में उन लोगों को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया, मंत्री बनाया गया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे थे, ईडी उनकी जांच कर रहा था। तो ऐसे में जो बीजेपी, खासकर बिहार की बीजेपी जो उछल कूद रही है और तमाम तरह के बातें नीतीश कुमार सरकार को लेकर कह रही है, उनकी ईमानदारी को लेकर कह रही है, उनके भ्रष्टाचार की टॉलरेंस नीति को लेकर कह रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार बाउंस बैक करेंगे और कर रहे हैं। उनके पास बेस है बीजेपी को आईना दिखाने का, क्योंकि बीजेपी के पास अब वो फेस नहीं है जिसको लेकर वो तन कर नीतीश कुमार के सामने खड़े हो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर, या कहीं भी किसी भी स्टेट में। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, इसके पहले बंगाल में जो कुछ हुआ था, वो जग जाहिर है। तो ऐसे में जो मीडिया कयास लगा रहा है इस मीटिंग को लेकर, तो वो सारी बातें थोथी साबित होंगी। थोथा चना बाजे घना, बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, फिर किसी टॉपिक को लेकर बिहार के ही। तब तक के लिए नमस्कार।